हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। आज के रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि करंटली आपके पार्टनर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन क्या कहना चाहती है एंड बहुत जल्दी आपको इस रिश्ते में क्या मिलेगा। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल है प्लस कलेक्टिव है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट, बाकी को जाने दें, ज़्यादा टेंशन ना लें, ओपन माइंड के साथ चेक करें एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस, मैसेजेस, क्लैरिटी आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बताएं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इस टाइम क्या एनर्जीज हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में क्या होगा, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए एंड ऑल। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हेल्प कीजिए। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रोकन का कार्ड स्टार्टिंग में ही आ गया, बट नो प्रॉब्लम। थ्री ऑफ कप्स, दो थ्री, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड द लास्ट वन इज एट ऑफ कप्स। तो ये एनर्जीज हैं आपके पार्टनर्स की। बॉटम से मैं चेक करूँ तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, योद्धा का कार्ड है, योद्धा का, सोर्ड्स का योद्धा। सो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, जो मैं जोडियक साइन देख पा रही हूँ, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड जिसमें मुझे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। आप या आपके पार्टनर्स इन जोडियक साइन से हो सकता है डील कर रहे हो। अगर कुछ नंबर्स की बात करूँ तो 3, 9, 7 और 8 आपके लिए या फिर आपके पार्टनर्स के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। आप लोगों का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ड्राइवर नंबर हो सकता है, कोई सा भी ये नंबर हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, दो थ्री हैं यहाँ पर, थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन ने रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है, बिखेर कर रख दिया है, पूरी तरह से स्पॉइल करके रख दिया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो है आपके पार्टनर का कोई अदर रोमांटिक पर्सन, चाहे वो उनकी वाइफ है, उनके हस्बैंड हैं, या फिर ये आपके हस्बैंड और वाइफ हैं और कोई अदर पर्सन जिनके साथ रहकर या जिनकी सुनकर इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है कोई इनका रोमांटिक पर्सन। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम अगर हम किसी पर्सन से डील कर रहे हैं और वो पर्सन मैरिड है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मैरिड पर्सन की लाइफ में हम हुए ना। नोट लाइक दिस, थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड हुए जिनकी जिनकी साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, कुछ कार्मिक है, टॉक्सिक है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको चूज़ किया हुआ है। ठीक है, एंड वहीं अगर ये पर्सन आपके साथ मैरिड है और कोई अदर वूमेन या मैन इनके लाइफ में है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन वो है जिन्होंने आपकी मैरिड लाइफ को स्पॉइल किया है। देखिए, हर तरह के लोग होते हैं, समटाइम कुछ रिलेशनशिप होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं जिसकी वजह से कोई और पर्सन को चूज़ करता है, और किसी वजह कई बार ऐसा होता है कि कोई और पर्सन किसी अच्छे खासे घर गृहस्थी को स्पॉइल कर देता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो प्लीज़ आई डोंट थिंक कि किसी को जज करना चाहिए या किसी की लाइफ को जज करना चाहिए या फिर हम क्लैरिफाई करें कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। सब सिचुएशंस का खेल है, डिवाइन का खेल है, रिश्तों का खेल है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे मैक्सिमम लोगों की लाइफ में कोई रोमांटिक पर्सन दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से ना आप लोगों की लाइफ परेशानी में कट रही है, ऐसी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। प्रेजेंट में ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन बहुत हैप्पी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ और आपके साथ दोनों के साथ एक बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, लेकिन किसी के साथ भी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। अकेले तो आप भी हैं, अकेले ये भी हैं, और अकेले जिस भी थर्ड पार्टी के साथ ये डील कर रहे हैं वो भी है। तीन लोगों के बीच में एक कंपैटिबिलिटी बनने की कोशिश चल रही है और वो कंपैटिबिलिटी बन ही नहीं रही है।
हो सकता है कि आपने बोल दिया है कि या तो मुझे चूज करो या फिर थर्ड पार्टी को। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आप इनकी मैरिड लाइफ स्पॉइल नहीं करना चाहते, तो आपने बोला कि अगर आपकी वाइफ अच्छी है या आपके हस्बैंड अच्छे हैं तो आप उनके साथ कंटिन्यू करो। मैं अपने हाल पे हूँ, आई शुड मूव ऑन, बिकॉज आप किसी की गृहस्थी स्पॉइल नहीं करना चाहते, ठीक है। लेकिन स्टिल ये पर्सन उस रिलेशनशिप में भी हैप्पी नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए, ये उस रिश्ते से निकल भी नहीं पा रहे और आपको छोड़ भी नहीं पा रहे, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी है कि जब आप दोनों कनेक्ट हुए, ठीक है, तो तीनों चीज़ों में बहुत अच्छे से बैलेंस बन रहा था, मतलब आपके पर्सन आपको और उनको दोनों को अच्छे से ट्रीट कर पा रहे थे, बैलेंस बना के चल पा रहे थे। एंड हो सकता है कि इन्होंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी ना हो कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी सिंगल है, ठीक है। इन्होंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी नहीं कि ये मैरिड हैं, जब आपको पता चला तो ऑब्वियसली आपका दिल टूटा, बहुत ज़्यादा पेन हुआ, बहुत ज़्यादा आप रोए, एंड हो सकता है कि आपने इन पर्सन से मूव ऑन भी कर लिया हो, ठीक है, इन पर्सन से मूव ऑन भी कर लिया हो। लेकिन ये पर्सन अगेन आपकी तरफ बढ़े, इन्होंने अगेन अपना पेन आपको दिखाया, इस रिश्ते के बारे में आपको समझाया, जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, ये पर्सन बुरे नहीं है, ये किसी टॉक्सिक सिचुएशन में है, एंड डेफिनेटली आपको इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन स्टिल अगर ये अपने रिश्ते से प्रॉपरली बाहर नहीं आ सकते तो ये आपको वो हैप्पीनेस नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हो, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पर सिंगल हैं जो कि किसी मैरिड से डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना आपको लगता है कि लाइफ में ये क्या हो गया, मतलब आया भी तो कोई मैरिड पर्सन जो कि बुरा भी नहीं है, एंड जिसके साथ एक रिश्ता भी कायम हो गया, दिल भी जिसके साथ इतना अच्छा मिल गया, जिसके साथ कंपैटिबिलिटी भी इतनी अच्छी बन गई, लेकिन हो क्या रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिल नहीं पा रहा। आपने तो कभी नहीं चाहा किसी की गृहस्थी तोड़ना, आपने कभी नहीं चाहा किसी को दुख पहुंचाना, आपने तो हमेशा अच्छा किया, हमेशा अच्छा ही सोचा, देन ये लाइफ में आपकी हो क्या रहा है जिसकी वजह से आप समटाइम काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाते हो। आपने तो इस पर्सन से मूव ऑन करके भी जीना सीख लिया, लेकिन स्टिल पूरी तरह से ना तो आप मूव ऑन कर पाए और रह रह के ये पर्सन भी आपके रूबरू होते गए, टाइम टू टाइम ये पर्सन आपके आमने सामने आते रहे, एंड अगेन एक कनेक्शन सा जुड़ता गया। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो ना मिक्स इतना हो गया कि वो चलता ही जा रहा है। ये पर्सन आपको खुद से दूर होने नहीं देते, जब आप दूर जाते हैं तो ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाते हैं, जिसमें हो सकता है ये आपको कहते हो कि हाँ ये डाइवोर्स दे देंगे एंड ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन जैसे ही आप इनके कनेक्शन में आते हो तो अगेन चीज़ें स्लो हो जाती हैं, स्टेडी हो जाती हैं, एंड वहीं पे अटक जाती हैं कि लाइक ये पर्सन वहाँ से निकल नहीं पाते, जो आप डिज़र्व करते हो आपको दे नहीं पाते, एंड अगेन दोनों तरफ रिश्तों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन एंड स्ट्रेस आ जाता है, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इस पर्सन के हो सकता है बच्चे भी हों, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ से निकलना और भी ज़्यादा टफ हो रहा है इनके लिए। ये मैसेजेस मुझे कुछ ऐसे लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं जो कि एक सिंगल है और किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप मैरिड हो और आपके पर्सन किसी और के पास चले गए हैं, उनके लिए भी एक सिनारियो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो सिनारियो ये है कि ये पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को तो चूज़ किया, आपको इस हालत में छोड़ गए बिल्कुल तन्हा अकेले, जहाँ आपके आसपास कोई नहीं था, ठीक है। हो सकता है कि आपका कोई बेबी हो जो कि बाद में इस दुनिया में आया हो, या फिर आप बिल्कुल तन्हा हो, एंड देन अब की बात की जाए, ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके चले गए बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि ये बहुत हैप्पी रहेंगे, सेलिब्रेट करेंगे एंड ऑल, ठीक है। लेकिन अब ये पर्सन डे एंड नाइट स्ट्रगल कर रहे हैं, ये पर्सन हार्ट ब्रोकन है, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, वहाँ इनको कोई हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, और हो सकता है कि ये दिखाते हों कि ये बहुत हैप्पी हैं, बट वो चीज़ें ये छुपा रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स कार्ड यहाँ पर है कि अपनी राइट फीलिंग्स को, अपनी पेन को छुपा रहे हैं, अपने दर्द को छुपा रहे हैं, एंड एक मास्क लगा के घूम रहे हैं कि ही और शी इज़ वेरी हैप्पी विद अनदर पार्टनर, ठीक है। दो तरह का सिनारियो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग। जितने लोग लाइक शेयर कमेंट करते हैं उनकी एनर्जीज को मैं बहुत अच्छे से कैच कर पाती हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन दोनों तरफ से है, एंड कुछ लोगों की तो थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी भी है कि तीनों लोग ना मिल बांट के इस टाइम रहने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ रहने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट स्टिल एक स्ट्रेस तो है, बिकॉज जो जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिल पा रहा है।
ठीक है, तीन तरह के सिनारियो यहाँ पर हैं जो मैं देख पा रही हूँ, एंड मैं चेक करती हूँ कि आगे क्या हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन बताएं आगे इस रिश्ते में क्या हो सकता है, इनके रिश्तों में। पहले मैं उन वाइफ्स के लिए चेक करूँगी जो अपने हस्बैंड्स के लिए, या फिर उन हस्बैंड के लिए चेक करूँगी जो अपनी वाइफ्स के लिए वेट कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, हो सकता है कि फ्यू मंथ्स में ये आपको अप्रोच करें, ठीक है, ये आपको अप्रोच करें। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट ये दिखाएंगे, बट ये होंगे नहीं, क्योंकि बॉटम में अगर हम चेक करें तो टेन ऑफ पेंटिकल्स हैं। ये पर्सन रिकन्सिलेशन के लिए हो सकता है इन फ्यू मंथ्स आपकी तरफ बढ़े, ठीक है। अब मैं चेक करती हूँ कि उन लोगों का क्या जो सिंगल हैं और किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, जो बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं एंड चाहते हैं कि जो वो डिज़र्व करते हैं उन्हें मिले। ओम नमः शिवाय। तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, आप लोगों का कनेक्शन सोलमेट है एंड कुछ सोल का कर्मा, ठीक है, सोलमेट कनेक्शन में भी कुछ कर्माज होते हैं जो पेंडिंग रह जाते हैं, जो हमें आगे सोल्व करने होते हैं, जिनको हम कहते हैं कार्मिक सोलमेट्स, तो वो डेफिनेटली आपको सोल्व करने हैं। द स्टार स्पिरिचुअलिटी का आप लोग सहारा लीजिए, डेफिनेटली आपके लाइफ की सारी गुत्थियाँ सोल्व हो जाएंगी। हाई प्रिस्टेस इज हेयर, द स्टार इज हेयर। फ्यूचर डेफिनेटली बहुत अच्छा है जो आप डिजर्व करते हो, बट आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़ेगा। सारी गुत्थियाँ सुलझ जाएंगी, सारे जो फोल्डेड चीज़ें हैं वो आपके सामने क्लियर आ जाएंगी। क्लियर पिक्चर आप लोग देख पाओगे, अपनी पावर में आप लोग आ पाओगे, सही से डील कर पाओगे, तो ऑब्वियसली सही से रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं जो तीनों पार्टीज़ के बीच में कंपैटिबिलिटी बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए आगे क्या। ओम नमः शिवाय। उनके लिए आगे हायरोफैंट, वाओ, डेफिनेटली अगर आप कंपैटिबिलिटी अच्छे से बना के चलना चाहें, किसी को हर्ट ना करना चाहें और खुद भी मैनेज करना सीख जाएं, बिकॉज हर्ट होता है, ऐसा नहीं है कि आपको हर्ट होगा ही नहीं। जब जब आपके पार्टनर्स आपकी अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, अपने लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, तब तक आपको पेन होगा, लेकिन अगर आप मैच्योर हो जाते हैं, उस पेन से बाहर निकल जाते हैं, चीज़ों में मैनेज करना और एडजस्ट करना सीख जाते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों का रिश्ता लाइफ लॉन्ग ऐसा चल सकता है अच्छे फ्रेंड्स की तरह। देखिए बॉटम में है एम्प्रेस, ठीक है, रिलैक्सफुल पोजिशन में आपका रिश्ता आगे बढ़ सकता है। एम्प्रेस इज अगेन इम्प्लाइंग कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, तभी ये सारी गुत्थियाँ हैं जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। सो नो नीड टू वरी, तीनों सिचुएशन में कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, बस आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है जी। एंड अब मैं चेक करती हूँ कि आपको करना क्या चाहिए सबके लिए। ओम नमः शिवाय। क्या करना चाहिए आप लोगों को, तो कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। अपने कैरियर, अपनी ग्रोथ, अपनी इंडिपेंडेंसी पे फोकस करो। ऑलवेज रिलेशनशिप्स के बारे में मत सोचो, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से सोचो, हमेशा इमोशनल होकर चीज़ों में आगे मत बढ़ो, प्रैक्टिकल बनो। एंड पेज ऑफ कप्स, चीज़ों को बहुत प्यार से लगाओ और टेक केयर से बड़ा करो। दैट मीन्स ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये एक ऐसा पौधा है, अगर आप किसी भी चीज़ के मतलब एकदम इनके रिजल्ट्स के लिए ऑब्सेस हो गए, सपोज़ करो इनके हाथ में प्लांट है और ये सोचें कि एकदम इनका फ्रूट्स मिल जाए, तो शायद ये प्लांट हमेशा के लिए स्पॉइल हो जाएगा। लेकिन अगर ये वेट करते हैं, इसकी केयर करते हैं, इसको पैम्पर करते हैं, टाइम टू टाइम इसको न्यूट्रिशन देते हैं, तो डेफिनेटली एक टाइम पर ये बड़ा भी होगा और जो फ्रूट्स ये डिज़र्व करते हैं इन्हें मिलेंगे भी। सो सबके लिए ये मैसेज है, तो हैव पेशेंस एंड ऑब्सेस मत हो किसी भी चीज़ को लेकर, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अपना रखो, हमेशा इमोशनली मत सोचो, एंड जो चीज़ें टाइम लेंगी वो टाइम लेंगी, एकदम से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड मे गॉड ब्लेस एवरीवन।